हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानी इंडियन किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही डिलीशियस एंड क्विक रेसिपी, प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर की बहुत ही टेस्टी सब्जी। फ्रेंड्स, यदि आप सब्जी खा के बोर हो गए तो एक बार इसे ट्राई करना जरूर बनता है। यकीन मानिए, यदि आप इसको एक बार बनाएंगे तो ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जी बनाना। सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे, फिर उसमें 2 तेजपत्र और 2 टुकड़े दालचीनी के ऐड कर देंगे। साथ में 1 चम्मच हम जीरा भी डाल देंगे और 1/2 चम्मच हींग। जीरा जब चटकने लगेगा तब हम प्याज उसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज की प्याज ली है। प्याज को बड़े टुकड़ों में काट के और प्याज की सारी लेयर्स को अलग कर लिया है। फ्रेंड्स, प्याज को छोटे टुकड़ों में मत काटिएगा, वरना सब्जी नहीं अच्छी लगेगी। जैसे हम सब्जी के लिए मसाला तैयार करते हैं वैसे ही लगेगी, इसलिए प्याज को बड़े टुकड़ों में काट के लेना। अब यहाँ पर मैंने 1 बड़े साइज का शिमला मिर्च लिया है। शिमला मिर्च को भी मैंने बड़े टुकड़ों में काटा है, या आप स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं। प्याज और शिमला मिर्च को हम 4 से 5 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, बस हमें लाइट गोल्डन होने तक ही इन्हें फ्राई करना है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। शिमला मिर्च और प्याज को हम 50% तक ही कुक करेंगे। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे मसाले, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और सारे मसालों को 1 से 2 मिनट तक के लिए भूनेंगे। फिर मैं यहाँ पर ऐड करूंगी 2 मीडियम साइज के टमाटर। टमाटर को भी मैंने बड़े टुकड़ों में काट के लिया है। टमाटर को भी 1 से 2 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम में ही फ्राई करना है। साथ में हम नमक भी डाल देंगे। नमक को पूरी सब्जी में मिलाने के बाद सब्जी को हम कवर करके 2 से 3 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम में पकने देंगे। 3 मिनट हो गए हैं, चलिए सब्जी को चेक करते हैं। टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। टमाटर को हमने ज़्यादा देर नहीं पकाया है, इसलिए टमाटर के कुछ बड़े टुकड़े भी हैं जिन्हें हम क्रश कर देंगे। फिर यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच फ्रेश मलाई। मलाई को भी हम मसालों के साथ 1 से 2 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे, जब तक कि मलाई से उसका फैट अलग ना हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मलाई ने घी छोड़ दिया है। मलाई से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, सब्जी आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे ही लगेगी खाने में। फिर यहाँ पर मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी और 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी से सब्जी में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। धनिया को भी पूरी सब्जी में मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है, सब्जी बनके तैयार है। चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। आप इस सब्जी को पूरी, पराठा, चपाती किसी के साथ भी सर्व करें, ये बहुत टेस्टी लगती है। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।